गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। सभी साथी जुट जाएं क्लास में, जल्दी से जल्दी आ जाओ। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आपके लिए बहुत शानदार, जानदार, मस्त सेशन चल रहा है, और आज जिसमें अपनी आज सातवीं क्लास होगी, जिसमें आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी आने वाले जो प्रश्न हैं, जो हल कराए जा रहे हैं। सभी साथी जुड़ जाएं लाइव जल्दी से जल्दी। उम्मीद अली गुड मॉर्निंग। तो इस क्लास में अपन जैसे कि रोज रोज इतिहास के, भूगोल के, राजनीतिक विज्ञान के और दिल्ली जीके के अपन क्वेश्चन आंसर हल कर ही रहे हैं। और ये सारे जो प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं, सारे सारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, जो एग्जाम में होबू छपेंगे, ठीक है। और ये आज अपना कौन सा प्रैक्टिस सेट है साथियों? ये सातवां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और वर्दी क्लास जो आपके लिए चला रखी है सर ने, ठीक है। दुर्गेश गुड मॉर्निंग, मीनू शंकर गुड मॉर्निंग। तो सभी के साथी जुड़ जाएं लाइव अधिक से अधिक। उसके बाद किसी भी साथी को जो पढ़ना है तो वो प्ले स्टोर पर जाके बाय स्टडी ऐप से अपना कोर्स को परचेज कर सकता है। 399 रुपए बिल्कुल न्यूनतम शुल्क रखा है सर ने, ठीक है, जिसमें आपको वर्दी बैच में ये आपको सारी चीजें मिलेंगी, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स के साथ पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाई रही है। किसी भी साथी को कोई भी समस्या हो तो वो हमारे इस स्क्रीन पर जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इस पर सर से बात कर सकता है। और ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन सर चला ही रहे हैं, ठीक है। सुमित कुमार गुड मॉर्निंग। तो सभी साथी जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी, फिर आज का सेशन शुरू करते हैं अपन। तो आज का सेशन शुरू करते हैं साथियों, और आज के सेशन का अपन पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। तो पहला क्वेश्चन कहता है साथियों, क्या कह रहा है कि तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया। तो साथियों पहला क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें सभी साथी कि तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया, 1388 ईस्वी में, 1393 ईस्वी में, 1398 में या 1386 ईस्वी में। तो सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें पहले क्वेश्चन का कि तैमूर लंग ने, मीनू शंकर कह रही है आई लाइक यू, वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण यानी कि दिल्ली पर आक्रमण कब किया। देखो साथियों, तो तैमूर था ना, तैमूर ये चंगेज वंश का, ये मंगोल आक्रमणकारी था। कौन सा? मंगोल आक्रमणकारी था। कौन सा आक्रमणकारी था? मंगोल आक्रमणकारी था, ठीक है। और इसके द्वारा जब दिल्ली पर आक्रमण किया गया, तब दिल्ली पर किस वंश का शासक था? दिल्ली पर किस वंश का शासक था? तो दिल्ली पर साथियों तुगलक वंश का शासन था। किसका? तुगलक वंश का शासन था। और तुगलक वंश का जो शासक था उस टाइम, वो था कौन? नासिरुद्दीन मोहम्मद। कौन था साथियों? नासिरुद्दीन मोहम्मद। कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। जब तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया, वो मंगोल आक्रमणकारी था, दिल्ली पर आक्रमण किया, तुगलक वंश का था शासक था उस टाइम, कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। और इसने दिल्ली पर साथियों आक्रमण किया कब? 1398 ईस्वी में। कब किया? 1398 ईस्वी में। तो पहला क्वेश्चन का अपन को आंसर मिल गया है, कौन सा? सी, यानी कि 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। इसको तैमूर लंगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन साथियों अपनी स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद तैमूर के किस प्रतिनिधि ने दिल्ली पर अधिकार किया, यानी कि तुगलक वंश का शासक मोहम्मद तुगलक था, उसकी मृत्यु के बाद तैमूर के किस प्रतिनिधि ने दिल्ली पर अधिकार किया? इब्राहिम लोदी ने, खिजर खां सैयद ने, बहलोल लोदी ने, बाबर ने। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। सुमित कुमार हेलो सर, 100 में से कितने नंबर? 80 नंबर का पेपर होगा साथियों। दुर्गेश उम्मीद, फोन नंबर नहीं लगते सर,
किसी कारण टेक्निक कारण नहीं लगे होंगे, बाकी आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दुर्गेश जी गुड मॉर्निंग। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें कि मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद तैमूर के किस प्रतिनिधि ने दिल्ली पर अधिकार किया। तो साथियों जब मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई, किसकी, मोहम्मद तुगलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो तैमूर वंश का जो प्रतिनिधि के रूप में जो शासन किया, तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में जो शासन किया वो किसने किया साथियों, खिजर खान ने। किसने किया, खिजर खान ने। किसने किया साथियों, खिजर खान ने। और ये सैयद वंश का था, कौन से वंश का था, सैयद वंश का था। तो अपना आंसर कौन सा होगा, बी, बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद तैमूर की प्रतिनिधि के रूप में खिजर खान ने क्या किया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों, तीसरा क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर कि दिल्ली में सैयद वंश का शासन काल कब से कब तक रहा। 1415 से 1436 तक, 1410 से 1427 तक, 1414 से 1450 तक, और 1410 से लेकर 1430 ईस्वी तक। तो सभी साथी आंसर दें तीसरे क्वेश्चन का कि दिल्ली में सैयद वंश का शासनकाल कब तक रहा। मैंने आपको बताया कि दिल्ली में गुलाम वंश यानी इसको संतलत काल भी बोलते हैं, गुलाम वंश का शासन 1206 से लेकर 1290 तक रहा। ठीक है, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया साथियों, खिलजी वंश आया। कौन सा वंश आया, खिलजी वंश आया। और खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा, 1290 से लेकर 1320 तक रहा। फिर कौन सा वंश आया, तुगलक वंश आया। कौन सा, तुगलक वंश आया। और इसका शासन कब से कब तक रहा, 1320 से लेकर 1396 तक रहा। फिर कौन सा वंश आया, सैयद वंश। कौन सा वंश, सैयद वंश। ठीक है, इसका शासनकाल कब से रहा, 1414 से लेकर 1451 तक रहा। फिर कौन सा आया, लोधी वंश। ठीक है, कौन सा, लोधी वंश। और लोधी वंश का शासन कब से रहता है, 1451 से लेकर 1526 तक रहता है। तो आप देख लो इसमें से आंसर, तुगलक वंश का दिल्ली में सैयद वंश का शासन कब तक रहा, यानी कि 1414 से लेकर 1451 तक। कब तक माना जाता है, 1414 से लेकर 1451 तक, यानी कि सी आंसर इज करेक्ट आंसर। और सैयद वंश की स्थापना किसने की साथियों, सैयद वंश की स्थापना करने वाला था खिजर खान। कौन, खिजर खान। कौन था, खिजर खान, जिसने तैमूर के उत्तराधिकारी के रूप में यानी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। चौथा क्वेश्चन देखने अपनी स्क्रीन पर कि दिल्ली में लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा, 1460 से लेकर 1480 तक, 1451 से लेकर 1495 तक, 1451 से लेकर 1507 तक, और 1451 से लेकर 1526 तक। तो सभी साथ इसका आंसर देना कर प्रयास करें चौथे क्वेश्चन का। ऋतुपाल गुड मॉर्निंग, हरीश गुड मॉर्निंग। वैकेंसी होगी या नहीं होगी, जरूर होगी, वैकेंसी आई है तो जरूर होगी, वैकेंसी आती है इसलिए ये ऋषिपाल जी, वो हरीश जी की वैकेंसी होंगी। सुमित कुमार सी बता रहे हैं चौथे का आंसर, देखते हैं। वैकेंसी आती इसलिए कि भर्ती होगी, सभी साथी चिंता ना करें, 100% होगी। 14 मार्च तक कुछ कारणों की वजह से स्टे लगी हुई है, बाकी जल्दी हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा और क्लास वो भर्ती कंटिन्यू हो जाएगी। आप सभी साथी अपनी तैयारी में निरंतर रूप से जुड़े रहें, वैकेंसी आई है तो 100% होगी, वैकेंसी जरूर होगी, निश्चित रूप से होगी, चिंता ना करें। अश्वनी गुड मॉर्निंग। तो देखते हैं साथियों, दिल्ली में लोधी वंश का शासन कब से कब तक रहा। देखो लोधी वंश का जो संस्थापक है साथियों, लोधी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, बहलोल लोधी। कौन था, बहलोल लोधी। और इस लोधी वंश में सबसे जो प्रसिद्ध शासक हुआ वो कौन सा हुआ, इब्राहिम लोधी। कौन सा, इब्राहिम लोधी, जिसने 1526 में कौन सा, पानीपत का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, इसके बीच हुआ था, बाबर के साथ लड़ा था इसने, इसमें बाबर विजय रहा और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो दिल्ली में लोधी वंश का शासन है वो साथियों 1451 से लेकर 1526 तक था। कब था, 1451 से लेकर 1526 तक। तो अपना आंसर डी इज करेक्ट आंसर। मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में ही बताया था कि लोधी वंश का जो शासन काल है वो 1451 से लेकर 1526 तक था। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि निम्न में से लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन में अपने पास है इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवे क्वेश्चन का सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। देखो साथियों, इब्राहिम लोधी है ना, ये तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है,
ठीक है, कब लड़ता है पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है बाबर के साथ। ठीक है, सिकंदर लोधी है जो 1504 में आगरा शहर की स्थापना करते हैं, क्या करते हैं आगरा शहर की स्थापना करते हैं, और इन्होंने एक पैमाना चलाया गजे सिकंदरी, कौन सा गजे सिकंदरी। ठीक है, तो देखते हैं सभी साथी आंसर दें कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। मीनू शंकर भी बता रही है बहलो लोधी, दीपक सिंह भी बता रहे हैं। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। ऋतुपाल जी भी बता रहे हैं, देखते हैं अभी ऋतुपाल जी। तो देखते हैं साथियों, इसका जो लोधी वंश का संस्थापक था वो कौन था, बहलोल लोधी। कौन था, बहलोल लोधी। छठा क्वेश्चन देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। छठा क्वेश्चन कहता है कि 1526 ईस्वी में, कब 1526 ईस्वी में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी को हरा कर दिल्ली पर व आगरा पर किसने अधिकार कर लिया। हुमायूं ने, ऑप्शन में अपने पास बाबर ने, हेमू ने और अकबर ने। यानी कि 1526 ईस्वी में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी, देखो 21 अप्रैल 1526 को क्या होता है साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और ये किन किन के बीच होता है साथियों, यह होता है इब्राहिम लोधी के बीच और बाबर के बीच। ठीक है, बाबर इस युद्ध में क्या होता है, विजयी होता है। क्या होता है, विजयी होता है। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली व आगरा पर अधिकार किसने कर लिया, बाबर ने कर लिया। किसने कर लिया साथियों, बाबर ने कर लिया। और बाबर ने 1526 में किसकी स्थापना की, मुगल साम्राज्य की स्थापना की। क्या की, 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो छठा क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, बी इज करेक्ट आंसर। सातवां क्वेश्चन अपनी स्लाइड पर देखते हैं साथियों, और सातवां क्वेश्चन कहता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, हुमायूं, बाबर, शेरशाह सूरी या इब्राहिम लोधी। सातवें क्वेश्चन का सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो सभी साथी बताने का प्रयास करें सातवें क्वेश्चन का कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। चलो देखते हैं साथियों सातवें क्वेश्चन का आंसर कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। देखो साथियों, जब मैंने बताया कि 21 अप्रैल ठीक है 1526 को जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी हो गया। कौन, बाबर विजयी हो गया। और बाबर जब विजयी हो गया तो इसने किस वंश की स्थापना की, मुगल वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की, मुगल वंश की स्थापना की। तो कौन करता है मुगल वंश का संस्थापक, किससे माना जाता है साथियों, बाबर को माना जाता है। यानी कि 1526 में इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। आठवां क्वेश्चन देखते हैं अपनी स्लाइड पे कि बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा। तो अकबर, ऑप्शन में अपने पास हुमायूं, हेमू या शेरशाह सूरी। यानी कि बाबर कब मरा, 26 दिसंबर 1530 को जब बाबर की मृत्यु हुई। कब हुई साथियों, 26 दिसंबर 1530 की जब बाबर की मृत्यु हुई, तो इसके उत्तराधिकारी के रूप में कौन पदस्थापित हुआ। तो ऑप्शन आंसर देने का प्रयास करें सभी साथी। देखो साथियों, मुगलों में जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई 1526 में, तो मुगलों में सबसे पहले शासक बना कौन, बाबर। कौन बना, बाबर। बाबर का उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। कौन हुआ साथियों, हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन हुआ, अकबर। कौन हुआ, अकबर। अकबर के बाद कौन हुआ, जहांगीर। कौन हुआ, जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन हुआ साथियों, शाहजहां। कौन हुआ, शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन हुआ, औरंगजेब। कौन हुआ, औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद कौन हुआ, बहादुर शाह। ये सीक्वेंस में मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी, कि सबसे पहले बाबर हुआ, फिर हुमायूं हुआ, फिर अकबर हुआ, फिर जहांगीर हुआ, फिर शाहजहां हुआ, फिर औरंगजेब हुआ, फिर बहादुर शाह हुआ। तो बाबर की मृत्यु के बाद शासक कौन बना, हुमायूं। कौन बना साथियों, हुमायूं। तो अपना आंसर कौन सा होगा, बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि हुमायूं शासक बना। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, कि मुगल शासक बाबर की मृत्यु कब हुई, 1536 में, 1527 में, 1533 में, 1530 में। नौवें क्वेश्चन का सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें।
सभी साथी नौवे क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें कि मुगल शासक बाबर की मृत्यु कब हुई। सुमित डी बता रहे हैं, अश्विन डी बता रहे हैं, दीपक सिंह डी बता रहे हैं। चलो अपन देखते हैं बाबर की मृत्यु कब हुई। साथियों इस क्वेश्चन पर अपन आंसर हल करते हैं कि बाबर की जो मृत्यु है, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई थी कि 26 दिसंबर 1530 को बाबर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्या हुई थी, बाबर की मृत्यु हो गई थी। दसवां क्वेश्चन देखते हैं अपनी स्लाइड पर कि दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडरों पर दीन पनाह नगर किसने बसाया था। तो बताने का प्रयास करें, ऑप्शन अपने पास बाबर, इब्राहिम लोदी, हुमायूं, अकबर। तो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडरों पर दीन पनाह नगर किसने बसाया था साथियों। और इंद्रप्रस्थ पहले किसकी राजधानी होकर थी, कुरु जनपद की। किसकी, कुरु जनपद की। तो बताने का प्रयास करें कि दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की। दसवां क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें सभी साथी। मनीष जी 1530 बता रहे हैं, सही है। दसवें क्वेश्चन पे आ जाओ, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडरों पर दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की। तो साथियों देखो क्या होता है कि जब बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में, कौन मर गया, बाबर। बाबर की मृत्यु के उपरांत कौन शासक बनता है, वो बनता है हुमायूं। कौन बनता है साथियों, हुमायूं शासक बनता है। और जब हुमायूं शासक बना तो इसने यमुना नदी के किनारे, कौन सी नदी किनारे, यमुना नदी के किनारे कौन सा नगर बनाता है, यह दीन पनाह नगर बनाता है। कौन सा, दीन पनाह नगर बसाता है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा, हुमायूं। किसने स्थापना की दीन पनाह नगर की, हुमायूं ने। तो आंसर सी इज करेक्ट आंसर। 11वां क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। सभी साथी मैं बताना चाहता हूं कि जो भी हमसे पढ़ना चाहता है वो प्ले स्टोर पर जाके बाई स्टडी ऐप पर कोर्स को परचेज कर सकता है। 399 रुपये में न्यूनतम शुल्क है, दर पर सर ने आपके लिए फीस रखी है। ठीक है, वर्दी बैच का नाम दिया गया है, आपकी वर्दी के सपनों को साकार करने के लिए हम और आप सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं। इसमें जिसमें सारी लाइव रिकॉर्डेड मिलेंगी, नोट्स पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाई रही है। ठीक है, और किसी भी साथी को कोई समस्या हो तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख मिलता है, 8, 12, 18 या 21। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें कि जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख मिलता है। नेजा यामर्स का विलोग, हेलो। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें 11वां क्वेश्चन का। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख मिलता है, तो देखते साथियों जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख मिलता है, 18 लिपियों का। कितनी लिपियों का उल्लेख मिलता है, 18 लिपियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो जैन लिपियों में, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख मिलता है, 18। यानी कि सी इज आंसर इज करेक्ट आंसर। 12वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों अपनी स्क्रीन पर कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन में अपने पास 19, 27, 64 या 89। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें कि बौद्ध ग्रंथ में ललित विस्तार। साथियों जो बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार, ये महायान शाखा से संबंधित है। कौन सी शाखा से, महायान शाखा से संबंधित है। कौन सी शाखा से संबंधित है, महायान शाखा से संबंधित है। तो आप सभी साथी बताएं कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर अपन हल करते हैं साथियों। बौद्ध ग्रंथ जो ललित विस्तार है इसमें 89 लिपियों का उल्लेख मिलता है। कितना, 89 लिपियों का। यानी कि आंसर डी इज करेक्ट आंसर, 89 लिपियां बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में मिलते हैं जो महायान शाखा से संबंधित है। 13वां क्वेश्चन अपन देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। 13वां क्वेश्चन कहता है साथियों, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है, देवनागरी लिपि है, गुरुमुखी है, खरोष्ठी है, ब्राह्मी है। सभी साथी 13वें क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। बारहवें का आंसर देने का प्रयास करें सभी साथी। 13वें क्वेश्चन का, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। सुमित कुमार भी बता रहे हैं, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि थी। मनीष जी बता रही है,
मीनू शंकर भी बता रही हैं, अश्विन HRC बता रहे हैं। सभी साथी क्लास को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरा भी आप पे थोड़ा शक बनता है। अनुज सिंह सी बता रहे हैं, ऋतुपाल सी बता रही हैं। चलो देखते हैं अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी क्या रही है। देखो साथियों, अशोक के चाहे शिलालेख हों, अशोक के चाहे शिलालेख हों, चाहे लघु शिलालेख हों, चाहे लघु लेख हों, इन सब तीनों की जो लिपि है अशोक की, वो कौन सी लिपि है? वो साथियों ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। तो आंसर डी इज करेक्ट आंसर की अशोक की शिलालेखों की क्या लिपि है? ब्राह्मी। 14 क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर कहता है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु, बंगाला, मराठी या तमिल? सभी साथी बताने का प्रयास करें 14 का कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। पहली दो तो मैं बताता हूँ, तीसरी आप बताओ। पहली है हिंदी। कौन सी साथी हो? हिंदी, जो की बोली जाती है 43.06%। दूसरी कौन सी है? बंगाली, जो कितनी बोली जाती है? वो बोली जाती है साथियों 8.3%। ठीक है, और तीसरी पे आप आंसर देने का प्रयास करें, तीसरी भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है साथियों? देखते हैं साथियों तीसरी इस क्वेश्चन का आंसर हल करते हैं कि भारत की जो तीसरी जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? वो मराठी है। कौन सी साथियों? मराठी। और ये 6% की समथिंग बोली जाती है। कितना परसेंट? 6% की समथिंग बोली जाती है। तो आंसर कौन सा होगा? सी, यानी कि मराठी भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली क्या है? भाषा है। 15 क्वेश्चन पे देखते हैं साथियों कि चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल थी, संस्कृत थी, कन्नड़ थी, तेलुगु थी? सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। ये चोल शासक के साथियों दक्षिण भारत में एक वंश था, ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? विजयपाल थे। कौन थे साथियों? विजयपाल। और इसकी राजधानी थी तंजौर। क्या थी? तंजौर, जिसको क्या कहते हैं? तंजावुर भी कहते हैं। तो इनकी भाषा क्या थी वो बताने का प्रयास करें सभी साथी। ओम शारदा ओम कोचिंग मराठी, सही है भाई, वो तो हो गया मराठी। ओम शांत। शेखर सिंह बता रहे हैं तमिल। अंकित यादव ए बता रहे हैं, शेखर भी बता रहे हैं, दीपक सिंह ए बता रहे हैं, अश्वनी ए, ऋतुपाल सिलाई ए, मीनू शंकर ए, सभी साथ ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। ओम शारदा ओम कोचिंग कन्नड़ बता रहे हैं, अनुज सिंह ए बता रहे हैं। चलो देखते हैं साथियों चोल शासकों की भाषा क्या थी। तो चोल शासकों की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? वो थी साथियों तमिल। कौन सी? तमिल। अरे तमिलनाडु के रहने वाले थे ये शासक। तमिलनाडु में इनका क्या था? तंजौर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में तो पड़ता है। तो कौन सी भाषा बोली जाती है तमिलनाडु में? तमिल। तो आंसर क्या होगा? ए, यानी कि तमिल है जो चोल शासकों की क्या थी? भाषा थी। 16वां शासन देखते हैं कि हिंदी भाषा भारतीयों का कितना प्रतिशत लगभग बोलती है, यानी कि भारत में कितना परसेंट मतलब लोग हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं? 50%, 40%, 45%, 55%? सभी साथी आंसर दें कि 16वीं जो क्वेश्चन है 16वां अपना कि हिंदी भाषा कितना परसेंट बोली जाती है। सोलह क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें सभी साथी। मीनू शंकर डी बता रही हैं, ऋतुपाल लाइस सी बता रहे हैं, अश्विन सी बता रहे हैं, दीपक सी बता रहे हैं, गणेश कुमार 45%। बिल्कुल सही है गणेश जी, मतलब सभी साथी मेहनत कर रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। चलो ओम शारदा ओम कोचिंग, ओम शारदा ओम कोचिंग जी, भारत में जो भारतीय जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है 43.6%। कौन सी बोली जाती है? हिंदी भाषा। कितना परसेंट बोली जाती है? 43.6%। ये एग्जिट डाटा है,
तो 43% के जो अबाउट है या नियर बाई है वो कौन सा है, 45, यानी कि 45% है जो भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है अपना, 17वां क्वेश्चन कहता है साथियों कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है, मलयालम, तमिल, तेलुगु, बांग्ला। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर दें सभी साथी कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाती है। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें 17वें क्वेश्चन का। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। अनु सिंह, अश्वनी डी, दीपक डी, तो साथियों भारत भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की अधिकतम जो बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है, बांग्ला, जिसको अपन आंसर क्या होगा अपना, डी इज करेक्ट आंसर। 18वां क्वेश्चन है कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सा है, यानी कि गोवा की राजकीय भाषा कौन सी है, कोंकणी, गुजराती, मराठी, पुर्तगाली। तो सभी साथी बताएं कि गोवा की स्वीकृत भाषा कैसी है। अमर सिंह मीणा सी, प्रशांत दीक्षित डी, गोवा की स्वीकृत भाषा कौन सी है। मीनू शंकर, रेतु पासलाई सी, गणेश, गणेश डी बता रहे हैं, दीपक ए बता रहे हैं, मीनू शंकर ए बता रही हैं। चलो देखते साथ ही गोवा की जो स्वकृत राजभाषा है वो कौन सी है, कोंकणी। कौन सी है, कोंकणी। तो आंसर क्या होगा अपना, आंसर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में। मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में। और गुजराती कहाँ बोली जाती है, गुजरात में। ठीक है, 19वां क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सी भाषा देवभाषा है, हिंदी, खड़ी भाषा, संस्कृत भाषा या पाली। तो सभी साथी 19वें क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। संतोष शर्मा, 1900 दें कि कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है। गणेश सी, अश्विनी सी, मीनू शंकर सी, अनुज सिंह सी, दीपक सी बता रहे हैं। सभी साथी सही बता रहे हैं, मतलब मेहनत लगातार कर रहे हैं ऐसा मैं आशा करता हूं। शेखर सिंह भी उन सी बता रहे हैं, सुमित भी सी बता रहे हैं। तो देखिए साथियों, जो देव भाषा है कौन सी, देव भाषा, और कौन सी भाषा कहलाती है, संस्कृत कहलाती है। कौन सी, संस्कृत। और संस्कृत को भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाषाओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाषाओं की जननी कहा जाता है। संतोष शर्मा संस्कृत, वेरी गुड संतोष। सभी साथी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अमर सिंह मीणा भी, सभी साथी वेरी गुड। तो संस्कृत कौन सा आंसर होगा अपना, सी आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत, हिंदी, पाली या प्राकृत। सभी साथी आंसर दें 20वें क्वेश्चन का कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। क्वेश्चन बताने का प्रयास करें सभी साथी। मीनू शंकर ए, ऋतुपाल सी, दुर्गेश ए, प्रशांत ए, अजय ए, सुमित ए, प्रशांत दीक्षित ए। तो देखते हैं साथियों, संतोष शर्मा ए, शेखर सिंह
तो देखो साथियों, बाहर की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत। कौन सी है साथियों? संस्कृत। और इसको क्या कहते हैं? भाषाओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो आंसर कौन सा होगा अपना? ए इज करेक्ट आंसर। सभी साथी प्ले स्टोर पे जाके बाई स्टडी ऐप डालें और कोर्स लेके 399 रुपए में अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से जारी रखें। किसी भी साथी कोई समस्या हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकता है। और 21वां क्वेश्चन अपने स्लाइड पे ये रहा कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में या भारत में? सभी साथी 21वां क्वेश्चन का आंसर दें। बैटलफील्ड गनेर 20 का भी नहीं भाई, ए होगा। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है और भाषाओं की जननी कहा जाता है संस्कृत को। 21वां क्वेश्चन में है कि अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं कौन से देश में? ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, भारत में? सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। डी शेखर, डी संतोष, डी दुर्गेश, डी मीनू, डी प्रशांत, डी ऋतुपाल, अश्विन। सभी साथी डी डी दे रहे हैं। संतोष, भारत। तो देखते हैं साथियों, भारत सबसे ज्यादा अधिकतम संख्या जो बोली भाषाएं बोली जाती हैं, अधिकतम जो भाषाएं बोली जाती हैं वो कहाँ पे बोली जाती है साथियों? भारत में बोली जाती हैं। क्या वो कहाँ पर बोली जाती हैं? भारत में बोली जाती हैं। तो आंसर डी इज करेक्ट आंसर। 22वां क्वेश्चन क्या कहते हैं साथियों कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? मैसूर में, हैदराबाद में, वाराणसी में, उज्जैन में? तो 22वां क्वेश्चन का आंसर देना प्रयास करें सभी साथी, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहां पर स्थित है? ओम शारदा, ओम कोचिंग, पाली और प्राकृत है ना, वो क्या है? वो भाषा नहीं है, वो लिपि है जो अशोक के शिलालेख वगैरह से मिली जाती हैं। और बुद्ध वो बौद्ध धर्म की भी भाषा है प्राकृत, ठीक है, लेकिन भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत को माना जाता है। ओम शारदा डी, अनु सिंह डी। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहां पर है? 22वें क्वेश्चन में डी उज्जैन बता रहे हैं। चलो देखते हैं साथियों, 22वां जो क्वेश्चन है साथियों, इनकी केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान साथियों कहां पर है? मैसूर में। कहां पर है? मैसूर में। कहां पर है साथियों? मैसूर में। तो आंसर क्या होगा अपना? ए, यानी कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहां पर है? मैसूर में। 23वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? यह मिशन इसलिए शुरू किया गया था साथियों कि 15 से 35 वर्ष के जो भी निरक्षर हैं, क्या है, निरक्षर हैं, उनको साक्षर बनाने के लिए किया गया था, ठीक है। तो 15 से 35 वर्ष के जो निरक्षर उनको साक्षर बनाने के लिए जो मिशन किया गया उसका नाम था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। और सभी साथी बताएं कि इसका यह कब शुरू किया गया था? सभी साथी 23वें क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मीनू शंकर भी बता रही हैं, दुर्गेश भी बता रहे हैं। तो देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन का आंसर कि राष्ट्रीय साक्षरता जो मिशन है वो कब चलाया गया साथियों? 1988 में चला गया। कब चला गया? 1988 में चला गया। तो आंसर कौन सा होगा? बी इज आंसर, करेक्ट आंसर। 24वां क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई? तो ये अपन ने देख लिया अभी 1988 से। कब की गई? 1988 से। बी आंसर करेक्ट। 25वां क्वेश्चन कहता है कि नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? पहले में, सातवीं में, छठी में, चौथी में? तो सभी साथी बताने का प्रयास करें कि नवोदय विद्यालय में दाखिला की शुरुआत कब होती है? ओम शारदा, ओम कोचिंग, सी बता रहे हैं। नवोदय में कोई साथी पढ़ा है क्या? उसको जरूर पता होगा
कि नवोदय में एडमिशन कब प्रारंभ होता है। सभी सी बता रहे हैं, सारे नवोदय में पढ़े हो क्या? तो देखते साथियों, नवोदय जो विद्यालय है इसमें कौन सी कक्षा में लिया जाता है, तो छठी कक्षा में, यानी कि पांचवी के बाद एग्जाम लगता है, ठीक है। उसके बाद फिर छठी कक्षा में क्या दिया जाता है, प्रवेश दिया जाता है। कौन सी कक्षा में? छठी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा? सी, यानी कि सिक्स। 26वां क्वेश्चन देखते साथियों, 26वां क्वेश्चन है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई, जर्मनी में, भारत में, इंग्लैंड में, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी बताएं कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहां सर्वप्रथम कहां पर हुई। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें 26वें क्वेश्चन का, कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर हुई। तो देखिए साथियों, मुक्त जो विश्वविद्यालय की स्थापना है ये सर्वप्रथम कहां पर हुई? इंग्लैंड में। कहां पर हुई? इंग्लैंड में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सी। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 82 में, 85 में, 87 में, या 89 में। सभी साथी 27वें क्वेश्चन का आंसर दें कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो बताएं साथी सभी 27वें क्वेश्चन का आंसर। प्रशांत सी। तो देखते साथियों, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना है ये कब हुई? ये 1985 में हुई, और यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय। कैसा? केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर है साथियों? इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वो दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। तो आंसर मिल गया होगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1985 में हुई। कहां पे हुई? दिल्ली में हुई। मुख्यालय कहां है? दिल्ली में। तो आंसर कौन सा होगा? बी। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में, मुंबई में, इलाहाबाद में, कोलकाता में। सभी साथी 28वें क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। अट्ठाईसवें का आंसर देने का प्रयास करें कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर कहाँ है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना? अनूप सिंह ए बता रहे हैं, अजय ए बता रहे हैं, सुमित ए बता रहे हैं, गणेश न्यू दिल्ली बता रहे हैं। प्रशांत भी ये बता रहे हैं। चलो देखते साथियों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। और यह क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। 29वां क्वेश्चन अपनी स्लाइड पे रहा कि केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान कहां पर है? हैदराबाद में, मुंबई में, बेंगलोर में, नई दिल्ली में। सभी साथी बताएं, आंसर देने का प्रयास करें कि केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा का संस्थान कहां पर है।
केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में, मुंबई में, बंगलोर में या नई दिल्ली में? बैटलफील्ड बता रहे हैं ए दुर्गेश, बी बता रहे हैं तो देखते साथियों केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान है वो कहां पर है? हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद में। तो आंसर क्या होगा? ए, यानी कि हैदराबाद इज करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? पंतनगर में, देहरादून में, लखनऊ में, इज्जत नगर में? ये क्वेश्चन आपके हूबहू एग्जाम में भी मिलेंगे आपको, तो सभी साथी अभी आंसर देने का प्रयास करें। कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? पंतनगर में, देहरादून में, लखनऊ में या इज्जत नगर में? तो देखते साथियों भारत का पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है या उत्तर प्रदेश के, कहां पर? उत्तर प्रदेश के बरेली में, बरेली के इज्जत नगर में। कहां पर? इज्जत नगर में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा अपना? डी, यानी कि इज्जत नगर इज करेक्ट आंसर। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां है? इज्जत नगर में। ठीक है सभी साथी, प्ले स्टोर पे जाके बाय स्टडी ऐप से कोर्स को परचेज करें, 399 रुपये में आपका कोर्स है मात्र। ठीक है, और किसी भी साथी कोई समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर पर सर से बात कर सकता है। 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी संरचना अंतरस्त्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी कि अंतरस्त्रावी ग्रंथि नहीं है, पीयूष, थायराइड, अधिवक्र या वक्र? तो पीयूष ग्रंथि को साथियों क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और इसका आकार है जो मटर के दाने के समान होता है। किसके? मटर के दाने के समान होता है। थायराइड से क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जिससे क्या होता है? गलगंड व घेगा रोग होता है। ठीक है, तो बताने का प्रयास करें 31वां कि कौन सी संरचना अंतरस्त्रावी ग्रंथि की नहीं है। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा वक्र। वक्र क्या है? ये अंतरस्त्रावी ग्रंथि नहीं होती। क्या नहीं होती? अंतरस्त्रावी ग्रंथि नहीं होती। कौन सी? वक्र। तो आंसर क्या होगा? डी इज आंसर, करेक्ट आंसर। 32वां क्वेश्चन सभी साथी बताएं कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? जीवाणु की, जंतु की, शुतुरमुर्ग के अंडे की या कोई नहीं? 32वें क्वेश्चन का सभी आंसर देने का प्रयास करें। गणेश भी बता रहे हैं, सुमित कुमार सी बता रहे हैं। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें 32वें का। तो देखते हैं साथियों सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है? वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर इज करेक्ट आंसर। 33वां क्वेश्चन है साथियों अपना, आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कौन सी कोशिका का अंग है जो आत्मघाती थैला कहलाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, क्रोसोसोम या सेंट्रोसोम? तो 33वें का आंसर दें कि किसको आत्मघाती थैली या थैला कहा जाता है। तैतीसवां क्वेश्चन बताओ साथियों, कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहते हैं? राइबोसोम को साथियों कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्रोसोसोम क्या होता है? मानव के गुणसूत्र होते हैं। मानव के गुणसूत्रों को क्रोसोसोम कहा जाता है। और मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 के दो जोड़े पाए जाते हैं। तो सभी साथी बताएं कि कौन सा कोशिका का अंग आत्मघाती थैला कहलाता है? गणेश कुमार भी बता रहे हैं, कंचन राजपूत,
मीनू शंकर भी बता रही हैं, ऋतुपाल भी बता रहे हैं, सुमित कुमार भी। तो देखते साथियों कोशिका का जो आत्मघाती थैला है वो किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? लाइसोसोम को। तो आंसर अपना क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर। 34वां क्वेश्चन है साथियों कि पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है, यानी कि पृथ्वी है जो किसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शन में है चंद्रमा, सूर्य, ए और बी या अन्य ग्रह की। सभी साथी आंसर दें 35वें का कि पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है। कंचन राजपूत बी बता रही है, अजय बी बता रहे हैं, अखिलेश बी 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 बता रहे हैं। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? मीनू शंकर भी बता रही है। तो साथी देखो पृथ्वी है ना जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसके? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है, जब भी तो दिन और रात बनते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। तो अपना आंसर क्या होगा? बी, यानी कि सूर्य है, ठीक है, इसके पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। 36वां क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र या धूमकेतु। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सदस्य है? नहीं है। क्लास को सभी साथी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि अन्य साथी तक भी अपनी क्लास पहुंच सके, वो भी क्लास का आनंद उठा सके। छत्तीसवें क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं कि सौर मंडल का कौन सा सदस्य नहीं है। कंचन भी बता रही है, गणेश डी बता रहा है, मीनू डी बता रही है, शोभित मिश्रा सी बता रहे हैं, सुमित कुमार डी बता रहे हैं, ऋतुपाल सी बता रहे हैं। तो देखते हैं अपन साथियों सौर मंडल का जो सदस्य नहीं होता ना, क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक है, उल्का पिंड वगैरह भी होती हैं, ठीक है, धूमकेतु भी होते हैं, उपग्रह भी तो होते ही हैं, ठीक है, तो क्या नहीं होते? नक्षत्र नहीं होते। क्या नहीं होते साथियों? नक्षत्र नहीं होते। तो आंसर क्या होगा अपना? सी। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा पर क्या नहीं होता? वायुमंडल, जल, ए और क और ख, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ चंद्रमा पर क्या नहीं होता? वायुमंडल, जल या ये दोनों ही नहीं होते हैं, या इनमें से कोई सा नहीं है। सभी साथी बताने का प्रयास करें 37वें का। तो साथियों चंद्रमा पर क्या होता है? वायुमंडल भी होता है और क्या होता है? जल भी होता है, तो ये दोनों ही होते हैं। आंसर क्या होगा? सी, यानी कि क्या और ख। 38वां क्वेश्चन है कि नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा? 21 जुलाई 1968 को, 20 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 को या 20 जुलाई 1968 को। सभी साथी बताएं कि चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा। अड़तीसवां क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। ये साथियों नील आर्मस्ट्रांग था कहाँ का था? अमेरिका का। कहाँ का था? अमेरिका का। ये अपोलो 11 मिशन के तहत कहाँ गए? चंद्रमा पर। कौन सा मिशन था? अपोलो 11। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें 38वां का, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा।
38वें क्वेश्चन का आंसर दो। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर 1969 बता रहे हैं दुबे जी। 21 जुलाई तो देखते साथ ही नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्र पर जो कदम रखा। कंचन भी बता रही है, प्रशांत भी बता रहे हैं। तो देखते साथियों ये चंद्रमा पर गए थे 20 जुलाई 1969 को। कब गए थे? 20 जुलाई 1969 को गए थे। कब गए साथियों? 20 जुलाई 1969 को। यानी कि अपना आंसर क्या होगा? 20 करेक्ट आंसर। 39वां क्वेश्चन क्या है साथियों? कि चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं कहते हैं, चंद्रमा की रूप कहते हैं, चंद्रमा की कृतियां कहते हैं, या चंद्रमा के भाग कहते हैं? 39वां सभी साथी आंसर दें। कि चंद्रमा के प्रदीप्त भाग के विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? 39वें क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें सभी साथी। सभी साथी 39वें का आंसर देने का प्रयास करें। अखिलेश ए बता रहे हैं, दुर्गेश सिंह ए बता रहे हैं, तो देखते हैं साथियों चंद्रमा के जो प्रदीप्त भाग की जो आकृति है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं। क्या कहा जाता है? चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। तो अपना आंसर कौन सा होगा? ए आंसर, यानी कि चंद्रमा की जो कलाएं हैं उनको क्या कहते हैं? प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियां कहते हैं। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? सिरियस, बुध, शनि या मंगल? सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर सही देता है। कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? ऑप्शन में अपने पास सिरियस, बुध, शनि व मंगल। ऋतुपाल ए बता रहे हैं, दुर्गेश ए बता रहे हैं, मीनू शंकर ए बता रही है, सुमित कुमार ए बता रहे हैं। ओम शारदा ओम कोचिंग डी बता रहे हैं। प्रशांत भी बता रहे हैं। तो सूर्य का ग्रह नहीं है, कंचन भी बता रही है। कौन सा सूर्य ग्रह नहीं है? वो है साथियों सीरियस। सीरियस कौन सा ग्रह आ गया? इंसान सीरियस ज्यादा ही हो गया, तो सीरियस कोई ग्रह नहीं होता। ठीक है, बुध, शनि, मंगल ये तो सारे सूर्य ग्रह होते हैं, अरुण, वरुण, पृथ्वी। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, वो है चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? आकाश की, सूर्य की, पृथ्वी की या ग्रह की? यानी कि बताना है कि चंद्रमा है जो किसके चक्कर लगाता है। तो सभी साथी आज की सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, उसका आंसर देने का प्रयास करें कि चंद्रमा किसकी परिकल्पना या परिक्रमा करता है, यानी कि किसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इकतालीसवें क्वेश्चन के आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन का आंसर देने का सभी साथी प्रयास करें कि चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है। मीनू शंकर सी बता रही हैं, सी बता रहे हैं, अर्थ की बता रहे हैं दुबे जी, सुमित कुमार, नवीन कुमार भी सी बता रहे हैं, अजय, दुर्गेश,
अखिलेश सी बता रहे हैं, नवीन कुमार सी बता रहे हैं। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है, आकाश की, सूर्य की, पृथ्वी की या ग्रह की। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन का आंसर है साथियों कि चंद्रमा है जो किसकी, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, किसकी, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और यह पृथ्वी का एकमात्र क्या है, उपग्रह है। क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो आंसर क्या होगा, सी आंसर इज करेक्ट आंसर। किसी सभी साथियों जो पढ़ना चाहते हैं बाई स्टडी ऐप पर जाकर, प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप से कोर्स परचेज कर सकते हैं। 399 रुपए में आपके कोर्स की शुल्क रखी गई है, इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। कोई भी समस्या हो तो इन नंबर पर सर से बात कर सकता है। तो साथियों आज का सेशन आपको कैसा लगा, सभी साथी कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सभी साथी बताने की कृपा करें कमेंट में कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अखिलेश नाइस, ऋतुपाल नाइस, ये सेशन आपके लिए निरंतर जारी रहेगा। दुर्गेश सुपर, अजय थैंक यू सर।